स्ट्रेंजर घबराओ मत, उससे बस सीखो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो आज भी हमारा वेलकम बैक हो रहा है। हमारा बहुत लंबा ही ब्रेक हो गया था, लाइक पता ही नहीं क्यों यार, पता नहीं ना जाने क्यों, पता नहीं वो हो ही नहीं पा रहा था, इतनी लाइफ सिचुएशंस, ओह माय गॉड क्या ही बताएं। बट आज के दिन अभी इतने उस चीज से शुरुआत नहीं करते हैं, अभी हम जा रहे हैं इसके सरप्राइज के लिए। इसको मैं सरप्राइज दे रही हूं, बर्थडे ना कुछ है, लंगा लगा दिया और साला आज तो ऐसा हुआ है। मैं मतलब पहली बार पिछले तीन दिन से इसको पता है कि सरप्राइज में जाना है, मैं गेस नहीं कर पा रहा, पहली बार मेरी प्लानिंग इतनी सक्सेसफुल हुई है ना। इस बार तो मैंने मतलब फोन ले लिया, इतनी मेरे को वो हो गई कि मैं गेस नहीं कर पाया हूँ। मैं ना मतलब हर बार ये होता है, मैं ना बिना कुछ मतलब ऐसे खोजा खोजी करके ना गेस कर लेता हूँ अपने आप, मेरे को कहीं से आइडिया नहीं। फोन वोन देखना नहीं पड़ता, चेक नहीं है क्या बुकिंग कुछ हुई है या नहीं, या कुछ भी अगर हुआ है, कुछ मैसेज पे इसने किसी से बात करी है कुछ किसी चीज की, तो मेरे को कुछ की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गेस कर लेता हूं। मैं क्लू ही दे देती थी, इस बार मैं नहीं कर पाया, मैंने फोन तक चेक कर लिया भाई। इस बार मैंने फोन करा ही नहीं है फोन पे, इसने अपना लेवल अपग्रेड कर लिया, मैंने अपना कर ही नहीं पाया। तू हमेशा से अपग्रेडेड लेवल पे था ना, अब तो मैं थोड़ा अभी हम चलते हैं, फिर मुझे आपसे भी बातें करनी है, इससे भी जाने के लिए भी निकल गया मैं, कैसे नहीं बट मेरे पास एक 50% सॉरी बट मेरे पास एक 50% का चांस है जो मैंने एक इसको बताया है। हम गुड़गांव में एक जगह है जो देखी थी, देखी नहीं है वो लग रही है मेरे को, मैं उसको ना उसके 50% लेके चल रहा हूँ, 50% वो हो सकती है। हाँ। अब बाकी अब हाफ एन आवर में पता लगेगा क्या। You never know, आपके साथ ही रिवील करेंगे। एनीवेज तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि अभी लाइक हम लोग पहले मनाली सीरीज डाल रही थी मैं, जो कि 3 महीने पहले मैं डाल रही थी, बट वो एडिट ही नहीं होने को आ रही है, पता नहीं क्यों यार। ऐसा नहीं है, वो सीरीज कुछ बहुत टॉप रिकॉर्ड हो रखी है इसलिए एडिट नहीं हो रही है, लाइक नॉर्मल डेली व्लॉग ही रिकॉर्ड हुआ है और अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, मुझे पता है कि वो अच्छा हुआ है, मैं वेट कर रही थी उसको डालने का, बट हो ही नहीं पा रहा। थोड़ा लाइफ की वैसी सिचुएशन की लाइक हो जाता है कि मतलब आप थोड़ा ना चाहते हो भी, बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगते हो, तो या मुझे अभी उस बारे में इतनी बातें नहीं करनी वरना मुझे रोना आ जाएगा पता नहीं, क्योंकि मैं लाइक उस बारे में बात करते ही मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को रीजन नहीं समझ आ रहा कि यार क्यों हो जाता। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ना तो नीचे कमेंट करो, हम मिलजुल के एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, होपफुली सब अच्छा अच्छा जाए, जैसे मेरा बिल्कुल ही मन मर गया था अभी थोड़ा टाइम के लिए, वैसा ना हो दोबारा से एंड हम अच्छे तरह से कंटिन्यू कर सके। विश सो या अभी हम चलते हैं फिर आपसे न्यू रेजोल्यूशन, हम चलते हैं आपसे वहां पे मिलते हैं। मोमेंट्स लेटर अच्छा सॉरी, क्या मछली एकदम जान आ गई इसके अंदर, मैंने ना इधर ड्रेस डाला हुआ तो वो छोटा करके देख रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बंदा क्या मछली तड़पी है, पानी तो भरा थी गए। मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ना इसको भी बता दूंगी, बट मैं इसको नहीं बता रही, आप लोगों को बता रही हूँ, देखो हे भगवान मेरे साथ ही धोखा कर दू, बता दू मैंने 50% एक और ऑप्शन दिया इसको कि हम मूवी के लिए भी जा रहे हैं शायद, वो जो कार में बैठ के होती है ना वो तो नहीं, वो है। नहीं है वैसे तो उसके लिए ये वो नहीं है। अच्छा बताओ फिर बता दूं 50% वाला सही है या नहीं। हाँ देखा भैया गेस तो मैंने सही करा था, मैंने उसे कुछ रिएक्ट नहीं करा इसलिए इसको पता नहीं लगा, मैंने समझ गया वो क्या कर रहा है। रिकॉर्ड नहीं टूटा, टूटा है बट मेरा सरप्राइज फ्लॉप तो नहीं हुआ। हाँ बस ये है, फ्लॉप नहीं हुआ बट मेरा भी नहीं टूटा। हाँ। मैंने एक ऐसा ही कर रखा था 50-50। हाँ। और अभी भी एंड वाला तो। मैं सब कुछ सारे प्लान फ्लॉप हो गए थे, मतलब मेरे सारे केसेस डिनाइड हो गए थे, डिक्लाइंड हो गए थे, बट तब भी मैं 50% वो उसी पे टिका हुआ था। क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं जहाँ गुड़गांव के लिए हम जाएंगे या कुछ करेंगे, तो इसीलिए मेरे को तो ये भी पता है गुड़गांव वाले बेवा ऐसे जाए
नाइस जगह है, वो भी ठंड में खुले में था। मजा तो तभी है, ठंड पता तो लगी ठंड है। इधर तो वो सिंगर भी है कोई? हाँ, यहाँ पे आज लाइव बैंड भी आना है, तो आया हुआ है, आना था तो आया हुआ है। अब वही बैंड है या नहीं वो तो अंदर जाके पता लगेगा ना। कैसी बातें करते ये। सो यहाँ पे ये तीन बूथ्स हैं, कैश, डिजिटल, ऑनलाइन। हम यहाँ जाएंगे। वैसे इसका आउटफिट भी आज का मैंने ही प्लान करा है, तो कैसा लग रहा है वो भी बता देना। अरे बेबा, तुम कभी उस फेरस व्हील पे बैठे हो? नहीं। मैं भी नहीं बैठी। बैठे तो सबसे पहले उसी पे चलते हैं। जैसे पैर लग गए। नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, कुछ अनहोनी हो सकती है। शट अप, चलो फोटोज। इतनी ठंड में राइड करेंगे ना, ठंड से कुकड़ी बन जाएगी। कुकड़ी कुल्फी बन जाएगी हमारी, वो खा रहे होंगे लोग। कौन सी राइड में चलना है पहले? पहले देख रहे, एक्सप्लोर कर लो, क्या कुछ खाने का खाए पहले। चलो इसी में चले सबसे पहले। यहाँ पे यहाँ पे ट्विस्टर वहाँ पीछे है। वो भूत बंगला, भूत बंगला, भूत बंगला में, भूत बंगला में, भूत बंगला। बच्चों से बच्चों वाला अभी तक गया नहीं मेरा। ये क्या बच्चों वाला नहीं है? भूत बंगला। तो भूत बंगला में चलेंगे बस। हाँ भाई, तो वैसे हम कैसे से ब्लॉग कर रहे हैं? हम लोग कुछ बता तो रहे नहीं कि हमने कहाँ से एंट्री दी, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मुझे इसमें बैठना था। Oh my!
Several song-filled hours later. तो ब्यूटीफुल पीपल्स, हम लोग आ गए गाड़ी में वापस। अब तो आधे रास्ते घर पे भी पहुंच गए। लाइक हम लोग उधर से निकल गए थे क्योंकि अब क्योंकि जो बैंड आया हुआ था वो भी चला गया था, तो बस डीजे बज रहा था। राइड्स हमने ऑलमोस्ट सारी कर ही ली थी, तीन ही मेजर राइड्स थी एंड तीन हमारे पास पास थे, तो वो हमने तीनों यूज कर लिए थे। तो या पास के साथ, वही पास के साथ टिकट वो ज्यादा लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, वरना आपको 100 रुपीज की एंट्री, वीकेंड पे 200 की एंट्री, और आपको राइड तीन राइड के पासेस मिलते हैं 100 रुपीज ईच है राइड। इवेंचुअली 100 रुपीज बच गए हमें। हां कॉम्बो पैक मिला तो हमें 100 रुपए बचे। थोड़ा थोड़ा लेट चलता ही है, इसी चक्कर में मेरे से लड़ता रहता है। पता है जबकि मैं सही होंगी। ठंड इतनी थी था भाई साहब, मतलब दिमाग, कोई ठंड नहीं थी, कोई एक हल्का सा हथौड़ा मार देता ना शरीर के किसी पार्ट पे, कुछ ठंड नहीं थी, चूर चूर हो जाता ऐसा ना, कुछ ठंड नहीं थी। मैं भी थी वहाँ पे, वरना मैं मुझ जैसे इंसान को ठंड में आइसक्रीम खाना पसंद है बाहर खड़े होके, मेरे वहाँ पे चाय तक पीने का मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंड थी कि मैं गरम भी कुछ खा पी लूं ऐसा भी मन नहीं हो रहा था। गाइस अगर आप लोग आओगे ना प्लीज वहाँ के फूड स्टॉल जो वो छोटे मोटे होते हैं ना, जैसे शकरकंदी वगैरह वो सब खा लेना भाई, लेकिन बर्गर मोमोज ये सब बिल्कुल मत खाना, बहुत बिल्कुल कॉस्टली तो अलग बात, अगर वर्थ इट भी हो बट वर्थ इट ही नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। इसलिए हमने भी कुछ नहीं खाया, बस वो जो दो चीजें ट्राई करी, क्योंकि हमने पिज्जा भी हमने इसलिए खा लिया क्योंकि वो एक तो शिकागो पिज्जा का था, तो थोड़ा ब्रांड का हो जाता है, तो हमें था कि शायद थोड़ा क्वालिटी मिल जाएगी फिर भी, बट वो भी बेकार, बहुत बेकार। इसलिए हम पैसे बचा लिए हमने, और अब हम देखते हैं कुछ हेल्दी सा खा लेंगे। Yes, healthy chef पे। मैंने तो पहले भी यही सोचा था क्योंकि मुझे पता था हम राइड्स वगैरह करते हैं, तो राइड्स वगैरह में ना लाइक ऑब्वियसली कहते भी हैं, लाइक होता भी है कि वॉमिटिंग आने को या फिर क्योंकि वो ना खाना ऊपर नीचे हो जाता है,
बट भाई साहब को समझ का सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख लग ली थी। रहने दो, तभी कह रही थी शकरकंदी खा लो, वो डाइजेस्ट भी हो जाती। वो लाइट चकाने का मन, बंदी की बात सुननी ही नहीं है। ठोस चीज चाहिए थी, ठोस बंदी की बात सुननी ही नहीं है, ठोस चीज चाहिए थी तब। वैसे मैंने पता सोचा था आप लोगों से बात बात भी करने का, कि लाइक अब जैसे लाइफ थोड़ी अप्स एंड डाउन जैसे मैंने आपको बताया था चल रहे हैं, तो इसीलिए लाइक ऑल्दो लाइफ में इतना भी कुछ अप डाउन हो नहीं रहा, बट लाइक दिल ही दिल में हो रहा है वो। और कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ को गेट टुगेदर योर लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता और ना ही आप हर बार ही कर सकते हो। तो यस, यही होता है कि बस जैसा फ्लो चल रहे वैसे चलो, गिव अप मत करो, है ना भाई। सितंबर में डालनी शुरू करी थी एंड अभी भी पता है मेरे पास इतने सारे व्लॉग्स पेंडिंग है ना, मैं अभी भी 2 महीने लगातार डालूंगी ना, मुझे कंटेंट शूट करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इतने व्लॉग्स ऑलरेडी पाइल में है मेरे पास, बट वही एडिट ही होने को नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। इसी चक्कर में ना हमने अपने बर्थडे भी इस बार बहुत नॉर्मल से सेलिब्रेट करे थे। हमने अपने आप को थोड़ा पनिश करा है, नॉट पनिश टाइप में बट लाइक थोड़ा मतलब लाइक वो था कि बहुत ही नॉर्मल, हम क्यों अभी सेलिब्रेट करें। हम हमें रीजन भी समझ नहीं आ रहे, ऑब्वियसली हम दोनों साथ अब लाइक जो भी है वो अलग रीजन है। भी आगे पीछे हाँ आगे पीछे आता है, 12 घंटे का फर्क है सिर्फ, तो इसीलिए हमें लेकिन कुछ वो ही नहीं हो रहा था कि हम किस वजह से या कैसे या फिर लाइक बहुत ही अंदर से वो खुशी नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं। और लाइक आपको पता ही है रेनोवेशन अगर आपने कभी करवाई है या कभी देखी है तो लाइक बिल्कुल ही सब कुछ हौच पौच हो जाता है। लाइफ तो बहुत टाइम से चल रही है, हम उसको बस तिनके के सहारे से संभाले जा रहे थे, वो इस बार तिनका भी नहीं बचा अभी। तो हमने सोचा अब सब कुछ छोड़ो, सीधा डुक्की मारते हैं, क्योंकि यू नो मैं सोचती हूँ, मैं इसको भी यही चीज़ बोलती हूँ कि लाइक अगर हम कहते हैं कि एक सी बेड है उसमें कितना ही नीचे जाएंगे, एक टाइम पे जाके तो नीचे ग्राउंड टच हो गई, फिर ग्राउंड से टच करके वापस से पुश तो मिलेगा ही, वो प्रेशर इतना हो जाता है पानी का कि वो बचना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो बट होती है वो, तो होती है, बट हमें तो वो नहीं करनी ना, वही एरो अगर पीछे जाएगा तभी तो आगे जाएगा ना, ज्यादा पीछे चला जाएगा तो उसकी वो ही टूट जाएगी। ये नेगेटिविटी का भंडार है ये, नेगेटिविटी का ना। आप देख रहे हो कि मुझे क्या झेलना पड़ता है, मैं यहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसमें भी नेगेटिविटी दिखा रहा है। नहीं, दिखा नहीं रहा मैं, रह लो तुम, वही कर रहे हो। हमने जब हमारा मतलब लाइक ये सब स्टार्ट हुआ था जब, अब तुम्हें 3 मंथ्स हो गए तुम एडिट करके नहीं डाला, हमने मतलब ये 3 मंथ्स तो अभी कंटिन्यूस है, उससे पहले भी ये सब फेज हमने देखा है, ठीक है, तब भी हमने यही सोचा था कि एरो पीछे जा रहा है, अभी भी हम यही सोच रहे हैं, अब एरो पीछे जाने से भी और पीछे चल जा चुका है, इसलिए तो क्या पता हमें पहले लग रहा हो बस इतना ही जाना है अब, लेकिन अब हुआ हो वो, हमें पहले लग रहा हो कि हमने ग्राउंड टच कर लिया है, सी बेड टच कर लिया फिर ही ऊपर आएंगे। इंग्लिश में कहते हैं वंस यू हैव टू टच रॉक बॉटम टू कम अप विद अ फोर्स, तो वो रॉक बॉटम अभी आया ही नहीं हो, क्या पता हम ऑब्वियसली वो पहले ही घबरा रहे होंगे नीचे। कभी भी अपने डाउन टाइम से घबराओ मत, उससे बस सीखो। आई नो का अभी पता है मेरे ये बोलना भी ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक क्यों बोल रही हूँ मैं, इतनी तो कोई सियानी भी नहीं हूँ, इतना तो वही मेरा फॉलोअर्स भी नहीं है, बट तब भी क्या पता किसी को भी ये सुनने की ज़रूरत हो। तो यस, अपने डाउन टाउन से कभी घबराओ मत। हम अभी विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियो देख रहे थे फिलोसफी पे, एंड लाइक कुछ बातें उसमें इतनी सेंस बन रही थी ना, लाइक वो थोड़ा बहुत बत्ती जली था। कोई सी भी वीडियो देखो, एग्जैक्टली अगर ना सेंस बने मेरा नाम बदल दे, सेंस भी और लाइक अगर दिमाग की बत्ती ना जले, एग्जैक्टली उनकी बातें, उनकी बोलने सिखाने का तरीका वो बहुत अलग है, बहुत अच्छा है, एंड उनकी बातें भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पता है एक तरह से ना वो कहते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं है और सब कुछ सही भी नहीं है, वो तुम अपने हिसाब से देखो, आंख बंद करिए किसी भी चीज पे मत मानो, एंड वो
चीज मैं अपने पर्सनली भी मैं वो चीज बिलीव करती हूँ और फॉलो करती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ सेंस लगा बातों का, कुछ हुआ, कुछ बात शेयर करनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ। आई विल सी यू देयर।